गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। शहीद वीर अब्दुल हमीद की जयंती धूमधाम से मनाई। 1965 में पाकिस्तान के सपने को चकनाचूर कर दिए थे अब्दुल हमीद। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के धामूपुर जन्मस्थली गांव पर परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद की जयंती आज धूमधाम से शहीद पुत्र की नेतृत्व में मनाई गई। पार्क में स्थित शहीद की प्रतिमा पर थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र और बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनोज यादव ने केक काटकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर एसओ अशोक मिश्रा ने कहा, वीर अब्दुल हमीद की जन्म भूमि पर आकर धन्य हो गया। ऐसे वीर योद्धा शहीद वीर अब्दुल हमीद की वीर गाथा इतिहास के पन्ने में पढ़ते रहे, जिनकी बहादुरी की जिक्र बुजुर्गों द्वारा भी आने वाले पीढ़ी को बताते रहे। 1965 के युद्ध का पासा पलटने वाला वीर अब्दुल हमीद ने अजय पैटन टैंक को तोड़कर पीछे भागने को मजबूर हुए पाकिस्तानी फौज। वही शहीद के पुत्र जैनुल हसन ने कहा, मेरे पिता को शहादत 19 सितंबर को सही पता चला, को एक अखबार में 1965 प्रकाशित थी, जिनका नाम और कोड से जैसे पता चला मेरा आंसू रुक नहीं सका। मुझे देखते माँ रसूलन बीबी भी समझ गई और फफक कर रो पड़ी, लेकिन आज मेरे पिता शहीद वीर अब्दुल हमीद शहादत देकर देश ही नहीं विश्व में नाम रोशन किए। इस मौके पर संजीत प्रजापति प्रधान, सिकानू राम, दीपक चौरसिया, मनोज यादव, बेचन अली दरोगा, विश्वकर्मा, श्रवण सिंह, राजेश शर्मा, पुट्टू सिंह, अरविंद कश्यप सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज सर परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद का जयंती मनाई गई है, कैसे कार्यक्रम हुआ है, क्या हुई थी? आज मैं थाना अध्यक्ष दुल्लापुर, आज मुझे वीर अब्दुल हमीद जी के बड़े पुत्र जैनुल जी ने आमंत्रित किया था। 1 जुलाई 1933 को हमीद जी का जन्म हुआ था, आज 1 जुलाई का दिन है। इनका जन्म दिवस मनाने के लिए आपने आमंत्रित किया तो मैं यहाँ उपस्थित आया था। बड़ा भव्य तरीके से इन लोगों ने जन्मदिन मनाया है और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत पाक युद्ध में 1965 में हम देशवासियों के लिए वीरगति को प्राप्त हुए वीर अब्दुल हमीद जी के जन्मदिन में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला, बड़ा अच्छा लगा। और आशा है कि इनके शहादत दिवस 10 सितंबर को भी अवसर मिलेगा और भव्य तरीके से सबके सहयोग से शहादत दिवस मनाया जाएगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनुल हसन है, मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद का सबसे बड़ा बेटा हूँ। आज इनकी जयंती धूमधाम से मनाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे क्षेत्र के पत्रकार श्री सोनी जी जो है अमर उजाला से बिलोंग करते हैं, उनके सहयोग से उन्होंने बड़ा मेहनत किया इस जन्मदिन को मनाने के लिए। इसके लिए मैं अमर उजाला और सोनी भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, जो आपके पिताजी जब उसमें जब सेना में भर्ती हुए थे, जब आपको सूचना मिली थी शहादत की, तो उसमें क्या माहौल हुआ, कैसे लोगों को जानकारी मिली? पेपर के द्वारा कई दिनों से निकल रहा था, लेकिन उनका नंबर नहीं निकलता था। 1965 के 19 सितंबर को पेपर में उनका नंबर निकला, जिससे हम लोगों को मालूम हो गया कि वो शहीद हो गए हैं देश के लिए और एक बहुत बड़ा काम करके शहीद हुए हैं। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जो है उन्होंने पाकिस्तान के कई टैंकों को तोड़ा है। जो पाकिस्तान के जो टैंक बने थे वो कैसे निर्मित थे, क्या उनकी योजनाएं पाकिस्तान की रही होगी? पाकिस्तान की योजना तो ये थी कि हम इस टैंक के बलबूते पर हम दिल्ली में चल करके चाय पियेंगे। ये पैटेंट टैंक अमेरिका के द्वारा दिया गया था, जिस पर अमेरिका को बहुत बड़ा नाज था कि इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा, जिसकी चादर की मोटाई लगभग लोग बताते थे 36 इंच मोटी थी, वो अजय टैंक माना जाता था। उस टैंक को मेरे पिताजी ने एक आरसीएल गन, जिस पर किसी को भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा अजय टैंक जो है इस आरसीएल गन से टूट जाएगा, मेरे पिताजी ने जब तोड़ दिया तब ये मालूम हुआ कि अमेरिका का पैटेंट टैंक हमारे एंटी टैंक गन से आरसीएल गन के सामने कुछ भी नहीं है। उनका जो सपना था वही चकनाचूर हो गया। हाँ, पाकिस्तान का जो सपना था कि हम दिल्ली में आकर के चाय पियेंगे, वो सपना उनका चकनाचूर हो गया और उसके बाद से भी धीरे धीरे पाकिस्तान पीछे हट गया और सीज फायर हो गया।